टाइम पर उसमें दही भी होता था, तो उसमें अचार भी था, पापड़ भी था, चटनी भी थी, रोटी भी थी, सलाद भी था और चावल भी थे होता था। लेकिन आप मेरी थाली सिमट के छोटी रह गई है, सिर्फ दाल रोटी चावल और ये हुआ तो सलाद। तो क्या जो इतना सारा कम हो गया तो क्या उसको फर्क नहीं, बॉडी पे नहीं पड़ेगा? क्या करना है, एक कैप्सूल जो है मेरी बॉडी की पूरी डेफिशिएंसी को खत्म कर देता है। इस कैप्सूल को लेने से मुझे आपकी बॉडी के अंदर मिलती है, चाहे मैं 1000 किलो फल ये सब्जियां खा लूं, चाहे 1 किलो सब्जियां खा लूं, बराबर है। WHO ने बोला है इसको स्कूल में बच्चों को देने के लिए, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां स्कूलों में कैप्सूल प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन इस कैप्सूल को देते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि कोई बंदा ऐसा तो नहीं है जिसको प्रोटीन नहीं देना है, किसी की किडनी खराब तो नहीं है, उसको आपने ये नहीं देना है। दूसरा कैप्सूल आते हैं सब आंवला। आंवला क्या है? विटामिन सी। क्या मेरी बॉडी को विटामिन सी मिलता है? क्या मेरी बॉडी के अंदर विटामिन सी अब्जॉर्ब हो पाता है? सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है आंवले के अंदर। आंवला और संतरा भी जब कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा विटामिन सी कहाँ मिलेगा? आंवला। विटामिन सी क्या करता है? रोगों से लड़ने की ताकत मुझे देता है कि मेरे पर कोई रोग नहीं है, वो अटैक ना कर सके, मेरी बॉडी बिल्कुल सेफ रहे। एक क्या सुरक्षा तत्व होता है जिन आंवला खाते हैं, सुरक्षा तत्व मेरी बॉडी की तरफ से बढ़ जाता है। ये तो सुविधा होगी मल्टीविटामिन की, जो खाने से मुझे कमी हो गई थी उस कमी को पूरा कर रहा है, लेकिन आंवला मेरे सुरक्षा तत्व ला रहा है कि बाहर से जितना भी गंध है वो मेरी बॉडी को बचा सके। बॉडी के अंदर जितना वाटर मुझे चाहिए कम मिल पाता है, नहीं तो वाटर रिटेंशन से दूर करता है। उसके बाद ये जो काम करते हैं ये फॉर आंवला एलोवेरा दोनों ही एयरफॉर को ही नहीं पहुंचते हैं, बॉडी से खराब टॉक्सिन बाहर निकालते हैं एलोवेरा, जितना भी गंद है बॉडी को क्लीन रखता है। किसी को वेट रिड्यूस करना है तो एलोवेरा आपको रोज टॉक्सिन बाहर निकालते हैं। किसी को वेट रिड्यूस करना है तो दो कैप्सूल आपको खा लो प्लस एलोवेरा के साथ दो कैप्सूल खा लो। आंवला भी खाता है, आंवले के कैप्सूल खा लो एलोवेरा। मैम हर्निया की अगर किसी को दिक्कत है, हर्निया तो एक वो बीमारी हुई ना, उसको तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है ना, एक सर्च कर ले दो एलोवेरा का प्रोटेक्शन। हां सुबह शाम एक एक ले लो, इसलिए तो नहीं आज तो की लाइफ में ज्यादा बिजी के नहीं कर रहा है, दो दो चार। तो ये मैं खुद अपने को हां मैं इनके लिए चलो ठीक है, मैंने खुद अपने को किया है वो ब्लैक कलर का आंवला 63 के जी मेरा वेट था, जो आज 57 हो गया है। हां हमिया के लिए आप क्या करो, एक तो गैबरन का दो और नीम दो। अब नोनी क्या काम करती है? नोनी वास्तव में है क्या हमारे पास? पाइनएप्पल का है क्या? हम पाइनएप्पल खाते हैं गली में? संतरा ले आएंगे मार्केट से, सेब ले आएंगे, आम ले आएंगे, चुकंदर ले आएंगे, लेकिन पाइनएप्पल नहीं लेकर के आते, ठीक है? पाइनएप्पल के अंदर क्या होता है? जर्माइन, और जर्माइन से ये मिलते हैं हमें ताकत। लेकिन मूली जो है पाइनएप्पल की तरह से भूख है और उसके अंदर जर्माइन 49 ग्राम
हमारी कोई भी हड्डी टूटी हुई हो जो डॉक्टर सही नहीं कर पा रही हो उन्होंने उस हड्डी को भी जॉइंट कर देता है। जो रीढ़ की हड्डी है डॉक्टर उसको कभी नहीं उसको सर्जरी कर सकते, मतलब उसको प्लास्टर करा सकते हैं, लेकिन रोनी के पास रीढ़ की हड्डी को भी जोड़ देता है। जो प्लास्टर मेरी बॉडी में चढ़ा हुआ है 6 हफ्ते में सही होगा, वो 4 हफ्ते के अंदर नोनी खाने से सही हो जाता है। पैरालिसिस है, नोनी आप उसको दे दो। नोनी क्या काम करते हैं, कोई अस्थमा ठीक है किसी को अस्थमा है तो आप उसको नोनी दे दो। नोनी अस्थमा के लिए बहुत ज्यादा वरदान है। अब तक क्या हुआ है, इस एक से तक पहुंचे, हमने बहुत अगली दवाइयां खाई हैं, उस अगली दवाई खाने से मुझे क्या नुकसान हुआ है कि मेरी बॉडी की जो सेल्स है उनका पूरी आवाज बंद हो गया है। ठीक है, तो मैं जो कुछ भी खा रही हूँ मेरी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि सेल्स अपना मुझे कवर कर चुके हैं। नोनी इन सेल्स को ओपन करता है धीरे 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 टॉक्सिन बाहर निकलता है और जो भी मैं खा रही हूँ मेरी बॉडी को बहुत अच्छे से लगता है। किसी को कैंसर है नोनी दे दो, किसी को थायराइड है नोनी दे दो। तो इतना इफेक्टिव है ये और इतना महंगा भी नहीं है। 5 रुपए में कितने का खिलाते हैं इसके 90। तो नोनी एक हमारे लिए क्या है, संजीवनी। लेकिन इसको भी लेते टाइम हमें ध्यान रखना है कि किसको नहीं देना है। जो भी कैप्सूल है उसको कुछ लोगों को हमें देना भी नहीं है, जिसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम होती है उसको नहीं देना है। जो भी